अभिनेता मुकेश खन्ना, जो कि अक्सर अपने बेबाक बयानों को लेकर खबरों में बने रहते हैं, मुकेश सामाजिक और फिल्मी मुद्दों पर अपने विचार खुलकर रखते हैं। इसी बीच मुकेश खन्ना ने OTT प्लेटफॉर्म्स को काफी खरी खोटी सुनाई है। मुकेश खन्ना का मानना है कि OTT प्लेटफॉर्म्स देश के युवाओं का पतन कर रहा है। मुकेश ने हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में OTT पर विचार रखते हुए कहा कि OTT हमारे देश के युवाओं को बिगाड़ रहा है। मैंने हाल ही में एक वीडियो देखी जिसमें एक लड़की ठुमके लगा रही है और उसे 69 लाख व्यूज मिले हैं, तो लोग तो देखेंगे ही, अगर आप उन्हें खाओगे तो वो भी देखेंगे। OTT पर कुछ भी दिखा रहे हो, क्या यह आपकी एक मॉरल ड्यूटी नहीं है कि आप ऐसी चीजें दिखा रहे हो? आपके बच्चे भी ऐसी ही चीजें देखेंगे और बिगड़ेंगे। आगे मुकेश ने OTT पर सेंसरशिप पर अपने विचार रखते हुए कहा कि OTT के गलत परिणामों के चलते हमारे देश में एक ऐसी संस्था होनी चाहिए जो OTT पर नकेल कसे। इस संस्था को हमारी युवा पीढ़ी की चिंता होनी चाहिए। हमारा देश सबसे युवा देश है, लेकिन इसका भविष्य कमजोर दिख रहा है, क्योंकि जहाँ पर हमें योगा सीखना चाहिए वहाँ पर हम सिखा रहे हैं। आपको जहाँ पर अच्छी चीजें दिखाना चाहिए वहाँ पर आप बुरी बुरी बातें दिखा रहे हो। जो बच्चे मोबाइल में व्यस्त हो जाते हैं और अपने परिवार वालों के साथ वक्त नहीं बिताते, तो ऐसी बेकार की चीजें रोकने की आवश्यकता है। अंत में मुकेश ने कहा कि जो युवा 69 लाख व्यूज के लिए ठुमका लगाता है वो किसी हद तक जा सकता है। ऐसी वाहियात चीजों को रोका जाना चाहिए। प्रगति का मतलब ये नहीं है कि हम अपनी संस्कृति भूल जाएं। आप कितने भी प्रगतिशील हो जाओ, लेकिन अगर संस्कृति नहीं है तो पतन तय है। इसीलिए इन गलत चीजों को रोका जाना चाहिए। फॉर मोर वीडियोज सब्सक्राइब लहरें।